नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं महबूब देश, स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले हिंदुस्तान की कामयाबी की। हिंदुस्तान ने चांद पर कामयाबी का परचम लहराकर अपनी काबिलियत साबित कर दी। अब बारी चांद से आगे ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को खंगालने की है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे से लौटने के बाद सीधे बेंगलुरु में इसरो मुख्यालय पहुंचे। चंद्रयान की कामयाबी को लेकर वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई के साथ उनकी पीठ थपथपाई। आज का भारत है निर्भीक भारत। अनंत आकाश में कितनी अनंत संभावनाएं भारत का इंतजार कर रही है। सपने बहुत तेजी से संकल्प बन रहे हैं। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है। चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां है वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विज्ञान का वंदन, इसरो का अभिनंदन। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। चंद्रमा पर हिंदुस्तान का शिव शक्ति संकल्प। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। चंद्रयान एट मून, सूरज पर इंडिया, कमिंग सून। ये मान सम्मान और अभिमान विज्ञान और उन वैज्ञानिकों का है जिन्होंने अनंत आकाश की बुलंदियों के पार हिंदुस्तान का परचम फहराया है। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है। भारत माता के जयकारों और तालियों की गूंज, ऐसा ही अद्भुत दृश्य था जब इसरो के वैज्ञानिकों की कई साल की तपस्या को सैल्यूट करने प्रधानमंत्री मोदी इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे। ग्रीस दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी सीधे बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु पहुंचने के बाद मोदी सीधे इसरो मुख्यालय पहुंचे। इसरो कमांड सेंटर में चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इसरो कमांड सेंटर में पीएम मोदी को वैज्ञानिकों ने पूरा चंद्रयान मॉडल दिखाया। चंद्रयान 3 मिशन के नतीजों और मिशन के बारे में पूरी जानकारी दी। इसरो कमांड सेंटर पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पीएम मोदी को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने इसरो चीफ को गले लगाया और पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री जब कमांड सेंटर पहुंचे तो वैज्ञानिकों ने 5 मिनट तक ताली बजाकर उनका स्वागत किया। इसरो चीफ ने पीएम को चांद पर प्रज्ञान रोवर के निकलने की तस्वीर भेंट की। चंद्रयान 3 का मॉडल देकर सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर वैज्ञानिकों को बधाई दी। चांद तक तिरंगा फहराने में संघर्ष का जिक्र करना भी नहीं भूले। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती है कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतनी बेसब्री, मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था।
भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेश दौरे के बाद दिल्ली लौटने से पहले बेंगलुरु में देश के वैज्ञानिकों को नमन करने पहुंचे। पीएम मोदी ने इसरो के कमांड सेंटर से तीन बड़े ऐलान किए। पहला ये कि हर साल देश 23 अगस्त की तारीख को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। दूसरा ये कि चांद पर लैंडर जिस जगह उतरा वो जगह शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी। और तीसरा, चांद पर जिस जगह चंद्रयान 2 के निशान हैं उस पॉइंट का नाम तिरंगा होगा। इसरो सेंटर में अपने करीब 45 मिनट की स्पीच के दौरान कई ऐसे मौके भी आए जब प्रधानमंत्री भावुक नजर आए। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। वाकई ये देश के वैज्ञानिकों का ही कमाल है जिसकी जय जयकार पूरी दुनिया कर रही है। ये असंभव को संभव बनाने वाली संघर्षों की ऐसी गाथा है जो सदियों तक जीवित और जीवंत रहेगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री का एक एक शब्द देश का मान बढ़ाने वाले वैज्ञानिकों की मेहनत और संघर्ष को आकार दे रहा था। आपने जो किया है, जो साधना की है, वो देशवासियों को भी पता होना चाहिए। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। मून लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो की रिसर्च फैसिलिटी में आर्टिफिशियल मून तक बना डाला। अब इतने सारे एग्जाम देकर हमारा मून लैंडर वहां गया है तो उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी थी। इस बीच बेंगलुरु से लौटने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के हजारों कार्यकर्ता पीएम मोदी के स्वागत के लिए मौजूद थे। दिल्ली में भी प्रधानमंत्री ने बताया कि जिस जगह लैंडर उतरा है उस जगह का नाम शिव शक्ति होगा। जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया हुआ है उस पॉइंट को एक नाम दिया गया और नाम दिया है शिव शक्ति। और जब शिव की बात होती है तो शुभम होता है और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश की नारी शक्ति की बात होती है। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद पूरा माहौल हर हर महादेव के जयकारों से गूंजने लगा। लेकिन कई लोगों को ये बात नागवार गुजर रही है। चांद पर लैंड करने वाली जगह का नाम शिव शक्ति रखने पर कुछ सियासी दलों को एतराज है। सियासत अपनी जगह है, सच्चाई यही है कि जो काम दुनिया के ताकतवर देश नहीं कर पाए वो देश के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। चांद पर हिंदुस्तान का रोवर प्रज्ञान कामयाबी के निशान छोड़ रहा है और अब बारी चांद के पार सूरज की दहलीज पर दस्तक देने की है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP News पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।